यार इस डिस्को में हमारी तरह से कितने लड़के आएंगे जिनके पास डांसिंग पार्टनर भी नहीं होंगे, उन्हीं में से एक को सिलेक्ट कर लेंगे। वेलकम वेलकम गर्ल्स, यू वांट डांसिंग पार्टनर्स? ओके कम ऑन बॉयज। माय डियर गर्ल्स, अब तुम अपने अपने पार्टनर चुनने के लिए तैयार हो जाओ। कम ऑन बॉय नंबर वन। बॉय नंबर टू। बॉय नंबर थ्री। वेरी गुड, very good, very good. Myself, I might not get angry. Okay, enjoy. भाई कमाल है, इन गर्ल्स ने अभी तक अपना कोई पार्टनर ही नहीं चुना। ओ कुड़ियों, तुमको अभी तक कोई डांसिंग पार्टनर पसंद नहीं आया? कौन? Wait!
ये तो मेरा प्यारा सा पर्सनल भतीजा है। ओए आजा मुंडिया आजा। ओए तेरी तो लॉटरी निकल आई है। डैडी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओए नालायक करण, कब तक डिस्को में घूमता रहेगा? मैं घूम रहा हूँ? नहीं डैडी, आप घूम रहे हैं। ओ लेट लतीफ, सुबह के 9 बज चुके हैं। लाड साहब का बिस्तर से निकलने का प्रोग्राम है कि नहीं? अबे नालायक, खाने पीने सोने और बैंड बजाने के अलावा कभी कभार पढ़ाई लिखाई भी किया कर। चल निकल बिस्तर से बाहर। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भैया ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भैया मुंबई में इतने बड़े कंप्यूटर इंजीनियर बन गए हो, लेकिन डैडी के डर के मारे पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। ओम नमो शिवाय। और कैसे हो भैया, पूजा पाठ खत्म हो जाए तो चिट्ठी लिख देना। ओके बाय बाय बाय। ओम ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओ मां तुझे सलाम। उठ गया तू? उठ गया माँ, आई एम तो ऑलरेडी रेडी स्टडी टू गो। पर माँ आज एक घर में क्या हो रहा है? सब लोग ओम नमः शिवाय जपे जा रहे हैं। बेवकूफ, आज शिवरात्रि है। आ तू भी टीका लगा ले। अरे माँ तुम तो जानती हो, आई डोंट लाइक ऑल दिस। अरे बेटा तुझे अपने पिताजी का बिल्कुल भी डर नहीं। देखो माँ वो तुम्हारे पति है, तुम उनसे डरो, मैं क्यों डरूं? नहीं डरता ना, इसीलिए तो रोज डांट खाता है उनसे। मम्मी मैं तो उनकी डांट फटकार सुन के बोर हो गया हूँ, लेकिन वो रोज डांट डांट के बोर ही नहीं होते। बेटा वो तुझे इसलिए कहते हैं तेरी भलाई के लिए, तुझसे प्यार जो करते हैं। प्यार करते हैं? कभी प्यार से उन्होंने मेरे सर पे हाथ भी फेरा? अरे बेटा तू अपने आप को बदल के तो देख। मम्मी अगर बदलने वाली कोई चीज होती ना तो सबसे पहले मैं डैडी को बदलता। क्या कहा? क्या कहा इसने? नहीं नहीं कुछ नहीं डैडी, मैं तो बस मम्मी को यही कह रहा था कि आज शिवरात्रि है, मुझे टीका क्यों नहीं लगा रही। गुड, वेरी गुड बेटा। ये ले। माँ भक्ति भावना दिल से निकलनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं। ये क्या, ताऊ के कमरे से घंटी की आवाज? अरे बड़े पापा ये क्या, आप भी डैडी के डर के मारे पूजा कर रहे हैं? ओ बात नहीं है पुत्र, बात ये है कि तेरा बाप ना बहुत गुड और धार्मिक आदमी है। वो मुझे अपना बड़ा भाई नहीं बल्कि गॉडफादर समझता है, इसलिए उसे खुश करने के लिए मैं ये पूजा पाठ करता हूँ। वैसे पूजा पाठ करने में मेरा अपना एक पर्सनल लालच भी है। लालच? ओए मैं चाहता हूँ कि तुझे एक बहुत ही नेक और खूबसूरत लड़की मिल जाए। एक? अरे बड़े पापा अभी रात की बात है, कितनी लड़कियाँ आई घर में। ओए तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? सपने में आई थी। तेरे की। और सपने में आप भी थे। मैं क्या कर रहा था वहाँ? आगे तो सुनिए, फिर डैडी आ गए, एक चाटा मारा और मेरा सपना तोड़ दिया। अरे तेरा डैडी सपने में भी तेरा पीछा नहीं छोड़ता। बड़े पापा ये डैडी हमेशा यमराज बनके मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? नहीं पुत्र, अपने डैडी को ऐसे नहीं बोलते। तेरा बाप तो नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। और जानता है सारे घर में आज ये पूजा क्यों रखवाई गई है? पता है आज शिवरात्रि है। ओए शिवरात्रि के साथ साथ तुझे एक नई मोटर बाइक भी दी जा रही है। क्या? कहाँ है? जा जा खिड़की में से देख, नीचे खड़ी है। जा। थैंक यू डैड, थैंक यू वेरी मच। किस बात के लिए? आप मुझे मोटर बाइक प्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसलिए। मोटर बाइक लेने से पहले ये सोचा है कि तू इसके लायक है भी कि नहीं? तेरा बड़ा भाई कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए 85% मार्क्स लेकर आया था और मैंने उसके लिए साइकिल भी नहीं खरीदी। और तेरी बहन प्री मेडिकल एडमिशन के लिए 95% लेकर आई थी और उसे घड़ी तक नहीं मिली। और एक तू है जो 36% मार्क्स लेकर आया है जस्ट पास होकर और मोटरसाइकिल के ख्वाब देख रहा है। अरे तू DTC बस के लायक नहीं है, चल जा। मोटरसाइकिल मैंने घर के काम के लिए रखी है। कृष्णा ला मोटरसाइकिल की चाबी दे मुझे। भाई साहब ला दे ना चाबी। भाई साहब बुरा मत माने, आपने बिगाड़ के रखा है करण को। आपको पता है कि आपका प्यारा भतीजा सिर्फ 36% मार्क लेके पास हुआ है? ओए पास तो हो गया है ना, और तू दूसरे एंगल से ये क्यों नहीं सोचता कि कितनी तरक्की कर रहा है हमारा पुत्र? तरक्की? और नहीं तो क्या। ओए पिछले साल इसके 35% आए थे और इस साल 36% आए हैं, तो 1% की तरक्की हुई के नहीं? ओए तेरी समझ में नहीं आएगा सुषमा, इसको ठंडी लस्सी पिला। ओए करण, ओए करण पुत्र एक मिनट ठहर। ओए करण, ओए करण पुत्र मोटरसाइकिल की चाबी तो लेता जा। मुझे नहीं चाहिए।
ओए पुत्तर मोटरसाइकिल तेरे लिए आई है। मैं नहीं चलाऊंगा कोई बाइक वाइक। ओए रुकता सही। बड़े पापा एक दिन मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ओए अपने बाप की बातों का बुरा मत माना कर। दुनियादारी में फंसा हुआ प्राणी है बेचारा, करने दे कुड़कुड़ उसे। हमारी तो कुछ क्लास ही और है। वैसे भी ये मोटरसाइकिल तेरे बाप ने नहीं खरीदी है, मैंने अपने पर्सनल प्रोविडेंट फंड में से खरीद कर दी है। सच? हाँ, और मैं तो सिर्फ उसके हाथों से दिलवाना चाहता था ताकि उस कंजूस की इज्जत रह जाए, पर लगता है कि उसकी बैड लक खराब है और मेरी गुड लक अच्छी है। ए ले चाबी। थैंक यू बड़े पापा, थैंक्स अ लॉट। गुड मॉर्निंग करण। गुड मॉर्निंग सर। मुबारकबाद नहीं देंगे? किसकी? फूल माला की? नहीं सर, उसके नीचे। ओ, नया हैंडल खरीदा है तुमने? नहीं सर, उसके भी नीचे। अरे ये तो पूरी की पूरी मोटरसाइकिल नहीं खरीदी है। भाई मुबारक हो। चलो आज जरा इस खुशी में पलट कर ये भी देख लो कि इस कैंटीन के पीछे आपका एक प्यारा सा कॉलेज भी है। चलो आज जरा एक क्लास अटेंड कर लो बेटा। आप चिंता मत करिए सर, आपके रिटायरमेंट से पहले हम आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। सुनो बेटा, तुम लोग कहो तो मैं तुम्हारा क्लासरूम कैंटीन में शिफ्ट करवा दूं। अरे नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, वरना कैंटीन में क्लासरूम में शिफ्ट करनी पड़ेगी। आप जाइए सर, खाली क्लासरूम आपका इंतजार कर रहा होगा। ओए डब्बू, इस महीने कैंटीन के पैसे नहीं दिए ना, तुम्हारी बेसमेंट में रिहर्सल बंद करा दूंगा। मत ले, दे दूंगा। चीकू, अरे यार ये कौन से गाने की रिहर्सल कर रहे हो? फंक्शन का गाना तो दूसरा है। अबे यार मुझे रिहर्सल की पड़ी है, यहाँ हमारी जान खतरे में पड़ी है यार। क्यों, क्या हुआ? अपनी आयशा है ना। आयशा कौन? अरे इनकाउंटर वाले पुलिस इंस्पेक्टर भेंडे की बेटी। तो अपने ऋतिक ने उसको लव लेटर लिख दिया है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ पूछ रहा है? तो क्या हुआ? अरे उसका बाप हजारों लोगों को एनकाउंटर में उड़ा चुका है, अब ऋतिक के साथ साथ हमें भी एनकाउंटर में उड़ाने के लिए ढूंढ रहा होगा। तभी तो गोली खाने से पहले गोली का गाना गा रहे हैं ना, प्रेम से गाओ मित्रों गोली मार भेजे। पर वो ऋतिक है कहाँ? मैं यहाँ ड्रम के पीछे बैठा हूँ, वो वहाँ ड्रम के पीछे बैठा है। गोली मार भेजे में। आजा बेटा। कहाँ? वहाँ। ये रहा ऋतिक, कहीं से भी रोशन नहीं लग रहा। क्यों बे, तूने ऐसा क्यों किया? वो क्या है ना, वो मणे घूर घूर के देखा करती थी। सर्कस के जोकर को भी घूर घूर के ही देखा करते हैं। तेरी माँ ने तेरा नाम ऋतिक क्या रख दिया, तूने तो सीरियसली ले लिया बे। लव लेटर लिख दिया? हा? तेरी दोस्ती के चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। उसे देख, टेंशन में एक्सरसाइज शुरू कर दी उसने। क्यों? भागने के लिए। देखो भैया, अगर उन लोगों ने मुझ पर हाथ उठाया ना तो मैं उनकी तरह बोलूंगा और तेरे को बोलूंगा क्या बे, मेरी बहन का लव लेटर लिखता है। क्या कर रहा है तू यार? इसने प्यार किया है, कोई जुर्म नहीं? एक तो ये पहले से डरा हुआ है, ऊपर से तुम लोग और डरा रहे हो। क्या पुलिस इंस्पेक्टर की बेटियां प्यार नहीं करती? क्यों नहीं करती? मैंने लाइब्रेरी में पढ़ रखा है, पूरे 2,33,000 इंस्पेक्टर की बेटियों ने प्यार किया हुआ है। क्या डेटा कलेक्ट किया है बे? अरे अपनी ऋतिक की आयशा आ गई। मेरी गर्लफ्रेंड आ गई। हटो यार, मेरी गर्लफ्रेंड है, मने देख दो। अरे तुम्हारी जाने मन तो एकदम अकेली आ रही है। मेरे लाल, ये क्या डिसीजन ले लिया तूने? उसकी शक्ल देख और अपनी शक्ल देख। क्यों? ये खराबी है मेरी शक्ल में, मेरी माँ कहती है मैं लाखों में एक हूँ। सही बोला, तेरे जैसा दूसरा बन भी नहीं सकता। ओए, ओए लेटर, लव लेटर। ओए जाऊँ के? अबे जा, जाऊँ? अरे जा, जा। अबे तेरे हाथ क्यों कांप रहे? ओ यार, मेरी जिंदगी का पहला लव लेटर है ना, इसलिए। अरे तो इसमें डरने की क्या बात है यार, पढ़। हाँ। पागल खाने से गाड़ी मंगवा ले। माय डियर ऋतिक। ओए क्या हुआ तुझे? लेटर में स्प्रिंग लगा है क्या? तुमने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? ऊपर से इंग्लिश में लव लेटर लिखते हो, सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स। तुम्हें ये लव लेटर लिखने की एडवाइस किसने दी? सबसे पहले उसे मेरी तरफ से लात मारो। ओए लात क्यों मार रहा है ऐसे यार? ओए यार लिखा है इसमें। तुम्हारी जगह ये लव लेटर किसी और ने लिखा होता तो मैं डैडी से बोलकर उसे जेल करवा देती। लेकिन तुम्हारा नाम ऋतिक है, मेरे लिए इतना ही काफी है। ऋतिक नाम से मेरे मन मंदिर की घंटियां बज उठी। आई लव यू ऋतिक, आई लव यू। ओए
चाहे प्यार रे, प्यार रे दिल मांगे प्यार रे, प्यार रे दिल चाहे प्यार रे। सोती है ये तन्हा जागता है, अनजाने से चेहरों के पीछे ये भागता है। दुनिया जब सोती है ये तन्हा जागता है, अनजाने से चेहरों के पीछे ये भागता है। दिल धक धक करता है ये चाहत का मारा है, पागल बन करता है ये पागल आवारा है। प्यार रे, प्यार रे दिल चाहे प्यार।
है खरा। अरे तुम कहाँ से आ गई? चलो तो सही, मैं बाद में बताती हूँ। उतरो, चलो उतरो, जल्दी चलो ना, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। तुम्हारे जल्दी के चक्कर में मैं सिग्नल तोड़ दूँ? सिग्नल हो गया, चलो। ओ करण, तुम सीधे घर जाना, मैं शाम को पहुंच जाऊंगी। ओके, सीधे घर? तू घर आ, मैं भी बताता हूँ। नमस्ते ताऊ जी। ताऊ जी नमस्ते। अरे हेलो माँ। कमाल है, इस घर में कोई मुझसे ठीक तरह से बात करने को ही तैयार नहीं है। क्या हो गया आप लोगों को? होना क्या, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मैं इस घर की क्या लगती हूँ, जा रही हूँ मैं। सुना आपने, मैं वापस हॉस्टल जा रही हूँ। सुन लिया, बहरी नहीं हूँ मैं। पिछले हफ्ते आने को कह गई थी, इस हफ्ते आ रही है। ओहो, इतनी सी बात के लिए आप सबके मुंह चढ़े हुए हैं? इतनी सी बात कहती है तू इसे? तेरी जिद पर कि तेरी पढ़ाई का नुकसान ना हो, हमने तुझे हॉस्टल जाने दिया, और अब हॉस्टल ही तेरे लिए सब कुछ हो गया है। घर और हम लोग कुछ भी नहीं है। माँ, अगर मैं इस घर में रहूंगी तो ताऊजी और करण मेरे साथ दिन रात अंताक्षरी खेलेंगे और मेरी पढ़ाई ठप हो जाएगी। हाँ, ये तो है। माँ, आपकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है और डॉक्टर की पढ़ाई आसान नहीं होती। पता है कि तू डॉक्टर बनने वाली है, लेकिन डॉक्टरनी जी, जिस हफ्ते तू नहीं आती ना, उस हफ्ते हम सब मरीज बन जाते हैं। आपको दवाई तो देने आई हूँ। माँ, क्या हुआ? दो सफेद बाल, डाई क्यों नहीं करवाती? चल चल जा नहाने जा, भिंडी बना रही हूँ तेरे लिए। ओ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? प्रणाम ताऊ जी। ओए जीते रहो। सुना भी डब्बू, तेरी छतरी पे कोई कबूतरी बैठी कि नहीं? ताऊ जी बैठती तो है। हाँ। लेकिन ना बैठते ही दूसरी छतरी की तरफ देखने लगती है। ओए बेवकूफ, प्यार से दाना डाला कर, फिर देख तेरी छतरी पर दर्जनों कबूतरियां होंगी। ताऊ जी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा है। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि करण कहाँ है। ओ बेटा, प्रणाम आंटी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। करण से मिलने आए हो, कोई खास काम है बेटा? हाँ आंटी बाबा, पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। शाबाश बेटा, एक तू है पढ़ाई पे कितना ध्यान लगाता है, और एक करण है हमेशा अपने पिताजी से डांट खाता रहता है, उसे समझाना बेटा। अरे मैं तो उसे समझाता रहता हूँ आंटी, लेकिन मेरी बात मानता ही नहीं है। ताऊ, अगर मैं उसे कुछ भी बोलूँ ना, तो वो उल्टा मुझे पढ़ाकू पढ़ाकू बोल के चिढ़ाता रहता है। रहा मेरी पढ़ाई का सवाल आंटी, मैं तो 24 घंटे पढ़ाई में डूबा रहता हूँ। घर में लाइट चली जाए ना, तो स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके पढ़ाई करता हूँ। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। वाह बेटा, तेरे जैसे लड़के को जन्म देने वाले माँ बाप वाकई खुशकिस्मत है। आंटी, मैं तो उनके लिए भगवान का दिया हुआ वरदान हूँ। अरे भाग ले बेटा। अरे जाता कहाँ है? करण का दोस्त है बेटा, पढ़ाई करने आया। पढ़ाई करने आया? कभी किताबों की शक्ल देखी भी है क्या? ये तो हमारे कॉलेज के सामने खड़े होकर लड़कियों की शक्लें देखता है, उनके जूते खाने के बाद भी बेशर्मों की तरह खड़ा रहता है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। करण का दोस्त है, इसलिए मुझे बेइज्जती सहनी पड़ती है। क्या कह रही है तू? मजाक कर रही है ताऊ जी, मजाक। मजाक? अभी परसों एक लड़की ने तेरी चप्पलों से पिटाई नहीं की? वो, अरे उसके साथ तो टाका फिट हो गया। देखा गया? इसने कबूल कर ही लिया ना, ऐसे दोस्त के साथ रहेगा तो कैसे सीधा होगा मेरा भाई। आइंदा तू इधर आए ना तो देख लेना। समझा? हाँ। आपका सफर कैसा रहा? क्या सफर यार, गाड़ी लेट थी। रुको भैया। हाय करण, नमस्ते भाई साहब। अरे डब्बू तुम? अरे तू कहाँ चला गया था? भैया को लेने गया था। क्यों, क्या बात है? चीकू ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। क्या बात कर रहा तू, कहाँ पर है वो? उसे कुछ हुआ नहीं है, उसे देख दे, उसके घर चल। चलो चलो जल्दी चलो। चुप हो जाओ बहन, भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे बेटे की जान बच गई। हाँ आंटी, क्या हुआ चीकू को? क्या बताओ बेटा, एक सब्जेक्ट में फेल क्या हो गया? उसके दिल को इतना धक्का लगा कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की बेटा। अरे चीकू, क्या हुआ तुझे? तेरी मार्कशीट तो मैंने देखी है, मैथ में तेरे 40% आए हैं, इंग्लिश में 36, हिंदी में 38, तो तू फेल के सब्जेक्ट में हुआ है। ओए प्यार के सब्जेक्ट में है? क्या मतलब? पिंकी का बाप पिंकी की शादी कहीं और कराना चाहता है। मैंने सोचा जब पिंकी मेरी ना हो सकी तो जिंदा रह के क्या फायदा करत, इसीलिए मैंने आत्महत्या करने की ठान ली।
लेकिन माँ तो कुछ और कह रही थी। अगर ये माँ को सच्चाई बता देता तो इसे आत्महत्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसकी माँ खुद इसका गला घोंट देती। करण, करण कुछ कर यार। अरे तू फिक्र मत कर, तुम दोनों की शादी जरूर होगी और लड़की को लाने की जिम्मेदारी मेरी। इतनी रात को मोटरसाइकिल लेकर कहाँ जा रहे हो? डैडी जाग जाएंगे। मगर जा कहाँ रहे हो? आज चीकू की बर्थडे पार्टी तो? है, उसके सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आ रहे हैं तो गर्लफ्रेंड भी आने चाहिए ना। तो उसी को उसके घर से लेने जा रहा हूँ। जबरदस्ती? हाँ, उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं कर रहे। इसका मतलब तुम उसे किडनैप करोगे? यू आर राइट। पागल हो गए क्या? डैडी जाग जाएंगे। वैसे भी डैडी तुमसे नाराज रहते, और गड़बड़ करोगे ना और नाराज हो जाएंगे। तो वो तो उनका रोज का काम है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। प्रिया अंडरस्टैंड यार, चीकू नीड्स माय हेल्प। चीकू गया भाड़ में, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों भाई, क्या बहस हो रही है? लो ताऊ जी भी जाग गए। ताऊ जी आइए, इधर आइए। अब तो तुम जा ही नहीं सकते। करण इस वक्त कहाँ जा रहा है तू? पहले इस प्रॉब्लम को अंदर भेजो। प्रॉब्लम? तू अंदर जा। लेकिन ताऊ जी, तू अंदर जा ना, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। हाँ बता। पास आइए। हाँ, मैं एक लड़की को किडनैप करके चीकू की शादी करा रहा हूँ। बड़ा ग्रेट काम कर रहा है तू तो। और एक और न्यूज है। क्या? इस काम के लिए मैंने आपके कबर से 5,000 रूपए निकाल लिए। लड़की बुरके में? ये शादी मैं नहीं करवा सकता, मैं पंडित हूँ, मौलवी नहीं। घबराइए मत पंडित जी, ये हिंदू है, इसका नाम पिंकी है और इसके पिता का नाम ब्रिज मोहन शर्मा है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होता तो ये देखिए मेरा आई कार्ड। सब ठीक ठाक है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन चीकू अभी तक नहीं आया। क्या चीकू अभी तक नहीं आया? करण अब क्या होगा? पिंकी तुम घबराओ मत, उसने कहा है कि वो ठीक टाइम पे आ जाएगा। दर्शन और ऋतिक कहाँ है? वो पुलिस का बंदोबस्त करने गए। सत्यानाश, गलती भी हम ही कर रहे हैं और पुलिस को भी हम ही बुला रहे हैं। देखिए अंकल प्लीज, कोई झगड़ा मत कीजिएगा। अरे बेटा, हम नेता हैं, यहाँ झगड़ा करने नहीं बल्कि बात को प्यार से सुलझाने आए हैं। थैंक यू अंकल। यानी आप इस शादी के लिए राजी हो गए? अंकल अगर आपको इतने आसानी से ही मान जाना था तो बेकार में आपके घर की बाउंड्री कूदा, पाइप से चढ़ा, साड़ी की रस्सी बनाकर पिंकी को उतारा, बुरखे का इंतजाम किया। वो तो सब ठीक है, लेकिन वो दूल्हे राजा कहाँ है? बस अंकल आता ही होगा। आता नहीं होगा बल्कि आ चुका है। वो देखो, जाकर उससे पूछ तो लो कि वो शादी के लिए तैयार है भी या नहीं। शादी? अंकल वो तो हनीमून के लिए भी तैयार है। अरे चीकू अंदर क्यों बैठा है? चल फेरे ले और ससुर जी का आशीर्वाद ले। फेरे कैसे फेरे, ससुर कौन सा ससुर यार? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? अरे यार मेरी मति मारी गई थी, मुझे लगा तू पिंकी को लेके शायद न पहुंच पाए तो मैं खुद वहां पहुंच गया, फिर इस मंत्री के संतरी ने मुझे धर लिया और बिठा के लिटा के सुला के हर एंगल से इतना मारा, मैं तुझे क्या बताऊं यार। अच्छा तो ये बात है, तू यही बैठ, मैं इसे अभी ठीक करके आता। अंकल बड़े दोगले निकले आप, नेता हो ना, अपनी राजनीति की गंदी चाल अपनी बेटी के प्यार पर भी चला रहे। चुप है, वो ठीक ना मेरा दामाद बनेगा, अगर सर पर सेहरा रख दो तो गुलदस्ता नजर आएगा। चल बेटी ऐसा मत कीजिए प्लीज। जाकर मर क्यों नहीं जाता है? हमारे जान के पीछे क्यों पड़ा है? इसलिए दिलवाई थी इसे बाइक ताकि उसमें लड़कियों को बिठा के भगाए? अरे हमारे खानदान में किसी ने पुलिस स्टेशन का मुंह तक नहीं देखा, और एक ये है जो लॉकअप में बंद होकर आया है, शर्म आनी चाहिए तुझे। ओए कृष्णिया, आज दिवाली के दिन भी क्यों झंडा परेड कर रहा है तू? इसकी पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सुनने दो, सबको सुनने दो, तब आएगी अकल से। पुत्र जा तू अपने कमरे में जा, जा प्रिया पुत्र जा तू अपनी माँ का हाथ बटा।
और तू इधर लड्डू खाने के लिए बैठा है क्या? जा जाके बाहर देख लाइटें लगी हैं कि नहीं। जी जी जी। ओए कृष्णा, लॉकअप में तो बड़े बड़े नेता जा चुके हैं और हमारा पुत्र किसी बुरे काम की वजह से नहीं बल्कि अच्छे काम की वजह से अंदर गया है। क्या, किसी की बेटी को भगाना अच्छा काम है? ओए हु हैज टोल्ड यू कि उसने किसी की बेटी को भगाया है? उसने तो दो प्यार करने वालों को मिलाया है, बड़ा महान काम किया है उसने। इनडायरेक्टली मुझे तो बड़े फख्र टाइप की फीलिंग हो रही है उसके लिए। भाई साहब, ये आप ही की ढील का नतीजा है दिन ब दिन जो बिगड़ता जा रहा है। तो तेरा मतलब है कि 100% ये मेरी वजह से हो रहा है? और क्या। तो ठीक है, आज के दिन रामचंद्र जी अयोध्या में वापस आए थे, मैं आज के दिन ये घर छोड़कर चला जा रहा हूँ। अरे अरे भाई साहब, आप तो खामखा नाराज हो गए। अरे नाराज होने की बात तो तू कर रहा है। अब पूछा क्या देख रहा है मेरा, जा जाकर पूजा की तैयारी कर। हाँ, जा रहा हूँ भाई साहब। जाना सुबेदार बलराम सिंह। अरे यू आर टू गुड यार। स्टूपिड, कल रात कितना कहा था मैंने कि बाहर मत जा मत जा मत जा, लेकिन नहीं। प्रिया, चीकू नीड्स माय हेल्प यार, अब कर ली हेल्प। पता नहीं कब तक इन दोस्तों के झंझटों में पड़ा रहेगा। डैडी रात तक जाएंगे और ताऊजी बचाते रहेंगे। अरे रिक्शा, एक सेकंड रुकना भैया। चल अब मूड चेंज कर, कम ऑन। तू जा, मैं बाद में आ जाऊंगा। पर आज के दिन रात को जाएगा कहाँ तू? और अब पूजा भी शुरू होने वाली है। मेरी पूजा बाद में हो जाएगी, तू जा अब। चल ना। कहाँ ना जा। ठीक है जाती हूँ। चिल्लाता क्यों है? के बीचों बीच पागलों की तरह गुमसुम सा क्यों बैठा है तू? कुछ नहीं भैया, वो अरे भैया के बच्चे, तुझे ढूंढते ढूंढते पेट्रोल खत्म होने वाला है इसमें। बेवकूफ, डैडी की बातों को इतना बुरा मान गया तू? चल सब लक्ष्मी पूजा के लिए तेरा इंतजार कर रहे हैं, बैठ बैठ। अरे उधर क्या देख रहा, बैठ बैठ जल्दी कर यार। पता नहीं क्या कर रहे थे यहाँ बैठा बैठा। 9:40 का टाइम था पूजा का, 10 मिनट बचे हैं, अब जाती डांट पड़ेगी। डैडी वैसे बौखलाए में पता नहीं क्या क्या बोलेंगे।
खुली खिड़की से हवा जो आए गिरे आंचल के वो खुशबू लाए चलाया जादू ये तूने कैसा कि हाल है मेरा दीवानों जैसा तेरे हाथ का चांद मैंने देखा नहीं रात का चांद जानबूझ के बॉल मार दी। हाँ। अबे यार तेरा दिमाग बैट्समैन को छोड़ के घास चलने गया था क्या? तबू गाड़ी रोक। क्यों? कहाँ ना रोक। अब ये कौन सी नई गुगली है? क्या हुआ? तेरे को हो क्या गया है यार? लीव मी अलोन यार। अरे लेकिन छोड़ो। ये आपका पाउच पीछे गिर गया था। ओह माय गॉड, इसमें मेरे टिकट्स, क्रेडिट कार्ड सब थे। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। एक्सक्यूज मी। यस। अरे मैडम मुझे टिप नहीं चाहिए। मैं टिप नहीं दे रही हूँ, आपका ऑटोग्राफ चाहती हूँ। मेरा ऑटोग्राफ? अरे मैडम मैं कोई हीरो थोड़ी ना जो आप मेरा ऑटोग्राफ लेना चाह रहे हैं। मेरी नजर में वो हर इंसान हीरो है जो अच्छा काम करता है। आपने अच्छा काम किया, ऑटोग्राफ प्लीज। ओके। पूजा कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार करे? वाई सो लेट? सॉरी आकाश, मैं प्रोजेक्ट की वजह से थोड़ी लेट हूँ। पार्टी में मजा ही नहीं आ रहा। सॉरी सॉरी। अरे पुत्र जी, पिछले एक घंटे से सारे मेहमान यही पूछे जा रहे हैं कि जिसके ऑनर में ये पार्टी है वो मिस पूजा है किधर। बेटी सबसे ज्यादा तो मैंने ही पूछा, पहचाना है ने? ओ, चंद्रमोहन अंकल, शिमला वाले। पहचानती कैसे नहीं, पापा हमेशा आपकी बातें सुनाया करते थे, दोस्ती की, कॉलेज के किस्से। हमारी फैमिली एल्बम से भी इनकी बचपन से लेके आज तक की तस्वीरें हैं। पापा आपको बहुत याद किया करते थे अंकल। हाँ बेटा, राज सक्सेना वॉज ए वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ए ग्रेट स्कॉलर। बेटा प्लेन क्रैश में तुम्हारे मम्मी पापा के देहांत की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आई हैव लॉस्ट ए वंडरफुल फ्रेंड। शादी के बाद ऐसे ही होता है।
कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया रोल नंबर 7 वाली, उसकी माँ ने मुझे प्यार से बिठाया, इतने में कबाड़ी वाली की आवाज आ गई, बहन जी कोई ना पुराना सामान है क्या? तो उसकी माँ बोली, भैया पुराना सामान तो है लेकिन अभी ऑफिस गए। अरे तुम्हें यार हंसी मजाक पूछ रहा है, अपने करण को देखा तुमने? ए छोड़ दे यार, आजकल वो अजीब ही दुनिया में रहता है यार। अरे तो पता करने की कोशिश तो करो कि आखिर वो कहाँ खोया रहता है। ठीक है मेरी माँ, चलो करण, चलो 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 चलो। करण, करण तू क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो बोल ना, किसी ने तुझे कुछ कह दिया? पता नहीं यार, आजकल मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। अरे इसे हो क्या गया है? छोड़ के एक मच्छर नहीं मरेगा देखना। क्यों? अबे यार आजकल पोल्यूशन इतना बढ़ गया ना कि मच्छर भी गैस मास्क लगा के घूमने लगे। कश्ती के सवार हो गए। हाँ, हाँ, हमारे बीच में सिर्फ करण बचा हुआ था। हाँ, लेकिन इसे भी उस अनजान हसीना ने अपना दीवाना बना दिया। ए, तुम लोग जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस एक बार उस लड़की से आमने सामने बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आखिर तुम कौन हो, नाम क्या है तुम्हारा, तुम्हारा मेरा संबंध क्या है जो एक पल के लिए भी तुम्हारे ख्यालों से दूर नहीं होती, क्यों तुमने मेरी रातों की नींदें चुरा ली है? करण मेरे लाल, तू तो पूरी तरह उसके प्यार में बह गया रे, है ना? है ना? है ना? अच्छा ये तो बता, उसकी कैटेगरी क्या है? कैटेगरी? ओ प्रोफेसर चीकू, वक्त आ गया कि आप इनको लड़कियों की कैटेगरी और उनके जनरल नॉलेज के बारे में प्यारा सा लेक्चर दें। स्टूडेंट्स, हमारे कैंपस में कुल मिलाकर 7 गर्ल्स कॉलेज, 6 जूनियर कॉलेज और 14 को एजुकेशन कॉलेज, जिनमें कुल मिलाकर पढ़ती है 14,810 लड़कियां। इनकी होती है अलग अलग कैटेगरी जिनके बारे में इस नए छात्र को मैं अब सिखाऊंगा। पहली कैटेगरी है ए यानी कि डीलक्स कैटेगरी। इस कैटेगरी की लड़कियों की तारीफ के बारे में मैं कौन से पुल बांधू, वैसे भी दिल्ली में पुल बहुत ज्यादा है, मेरे पास शब्द बहुत कम है। इस कैटेगरी में 2,810 लड़कियां। दूसरी है बी कैटेगरी। इस कैटेगरी में लड़कियों की संख्या 3,445। इन्हीं की वजह से चलते ये सारे कॉस्मेटिक और ब्यूटी पार्लर्स, ये ना होती तो ब्यूटी पार्लर्स पर बड़े बड़े अलीगढ़ ताले लग जाते, इनकी वजह से तो लिपस्टिक पाउडर कॉस्मेटिक वगैरह 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 की। तीसरी कैटेगरी है सी कैटेगरी, सबसे तुच्छ कैटेगरी, ट्रेन के थर्ड क्लास के डिब्बे की तरह ये है इनकी कैटेगरी। इस कैटेगरी में ठूस ठूस के भरी है सबसे ज्यादा लड़कियां, यानी कि 4,445। अब इन लड़कियों को किसी भी एंगल से देखो लड़कियां नजर आती नहीं है। थैंक यू प्रोफेसर शंकर महादेवन, डोंट बी ब्रेथलेस। अब बता तेरी कैटेगरी कौन सी है? ए कैटेगरी। मर गया बेटा। अबे I belong from C category। C category की लड़की के चक्कर में मेरे आधे बाल उड़ गए और तू A category की लड़की के चक्कर में पड़ा है, पता नहीं तेरा क्या क्या उड़ जाएगा। चीकू, मुझे उस लड़की से हर हालत में मिलना है। अरे मेरे लाल, जिसका नाम नहीं पता, जिसका पता नहीं पता, उसे कहाँ ढूंढेगा, कहाँ तलाश करेगा? ले माँ। तू भी चल बेटा, आरती शुरू होने वाली है। माँ तो जाना, मैं आरती में क्या करूँगा? ऐसा नहीं कहते बेटा, सच्चे मन से प्रार्थना करेगा तो जो मांगेगा मिलेगा। जो मुझे चाहिए वो मंदिर में थोड़ी ना मिलेगी। मिलेगी? मेरा मतलब है मिलेगा। चल बेटा, नहीं तो फिर अपने पापा से डांट खाएगा। अरे वो तो उनकी रोज की आदत है। माँ तू जाना, अब आरती शुरू होने वाली है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए। सिमी ये पूजा कहाँ चली गई?
कोई बुला रहा है? करण, करण, यहाँ बैठा है। तेरे पापा कब से चिल्ला रहे हैं? चल पूजा का टाइम हो गया। माँ तूने सच ही कहा था, पूजा करने से सब कुछ मिल जाता है। थैंक्स मॉम फॉर ब्रिंगिंग मी टू मंदिर। चलो चलो बहुत देर होगी, कम ऑन लेट्स गो। वो देखो नालायक, मंदिर में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अरे वहां क्या है? चल आरती कर। ड्रॉप कर देगा क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है मेरा यार। क्यों, पेट्रोल क्या पिताजी ने डलवाया? जा बस से चला जा। यार 12 बजे का टाइम है, 12 यही बज गए। अरे रो क्यों रहा है, घबरा मत, तेरा काम हो गया। वो आ रहा है मासूम फरिश्ता। हाय करण। हाय, क्या बात है, आजकल मार्केट में तेरे बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। क्यों? सुना है तू किसी लड़की को ढूंढ रहा है, मिली क्या? नहीं यार। सफर लोग गया था क्या? वहाँ क्या? अरे वहाँ हर सैटरडे आफ्टरनून जैम सेशन होता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। शहर की तमाम लड़कियाँ वहाँ जाती हैं। वहाँ जाकर क्यों नहीं ट्राई मारता? कहाँ है बिल्डिंग? फ्रेंड्स कॉलोनी में। ए रुक यार, ये भी वहाँ जा रहा, जरा इसे ड्रॉप कर देना यार। श्योर। जा, हाँ। जा यार। यार बन गया बेवकूफ बेचारा बकरा। अच्छा यार करण, मेरा इंटरव्यू यहीं पर है, तू रुक, मैं अभी आधे घंटे में आता हूँ, फिर चलते हैं तेरी उस लड़की को ढूंढने। ए शर्मा, इधर आ। तू अगर मुझसे साफ साफ कह देता कि आज यहाँ नारायण मंजिल में तेरी इंटरव्यू है, तो क्या मैं तुझे ड्रॉप नहीं करता? आई एम सॉरी यार। सॉरी के बच्चे, अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन आइंदा अगर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा नहीं होगा। अब जा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू यार।
लगता है ऊपर के फ्लोर पर गई होगी। Take it love.
मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना उस लड़की को देखते ही तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई, चैन खो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन शॉर्ट तुम्हें उससे प्यार हो गया, राइट? राइट। वैसे कौन से फिल्म का सीन है ये? फिल्म का सीन? मैं सच कह रहा हूँ प्रिया। माय डियर स्वीट इनोसेंट बेवकूफ ब्रदर, जिसे तुम प्यार समझो ये प्यार नहीं, अट्रैक्शन है, सिर्फ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन और क्या? सिर्फ अट्रैक्शन। ऑफ कोर्स, व्हाट एल्स? चलो प्रिया। जा कर रहे हो? रुको तो सही। प्रिया, जब से मैंने उस लड़की को देखा है, मेरे दिलो दिमाग पर काबू नहीं रहता। ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ रुक सा गया हो। सोते में जागता हूं, जागते में सोता हूं, पता नहीं किस दुनिया में खो जाता हूं। और तुम कहती हो कि सिर्फ अट्रैक्शन है। करण, प्रिया, मैंने तो सोचा था कि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो। शायद तुम्हें सब बताऊंगा तो मेरा मन हल्का हो जाएगा, लेकिन करण, I'm sorry, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को गलत समझा। Don't worry, I'm with you, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे इस लड़की का नाम क्या है? पता नहीं। Good, कहाँ रहती है? पता नहीं। Oh, very good, माँ बाप फैमिली कुछ? पता नहीं। Superb, excellent. अगर उसके बारे में इतना कुछ पता, आई मीन पता नहीं है, तो ये तो कंफर्म है कि तुम उससे प्यार करते हो। थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? मैं तो एक बहन का फर्ज निभा रही थी। वैसे नाम जो भी हो, अब तो वो मेरी होने वाली भाभी है। Take his autograph. उनको बुलाना। ओ भाई साहब, उसको बुलाना। ओ भाई साहब, जरा उसको बुलाना। हेलो, उनको बुलाना। भाई साहब, उनको बुलाना। हाय करण। हाय प्रिया। अरे प्रिया, तुम यहाँ कैसे? मुझे आज हॉस्टल में ड्रॉप कर दोगे प्लीज? सॉरी यार, हम लोगों की रिहर्सल है अभी, तुम ऑटो से चली जाओ। अपने किसी दोस्त को बोल दो ना ड्रॉप कर दे। चलो मैं छोड़ाता हूँ। ए वन मिनट प्रिया, तुम रोज ऑटो से जाती हो तो फिर आज क्या प्रॉब्लम है? क्या कारण, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती, लेकिन रास्ते में कुछ लड़के मुझे छेड़ते हैं। चलो मेरे साथ। करण प्लीज, करण रुक जाओ। चलो चल बैठ, इतना कॉल है।
प्लीज कम स्टॉप इट। बब्बा रे, यही लोग हैं ना प्रिया? प्लीज कम स्टॉप इट, रुक जा करण, पागल है ये लोग। डर गया साला डरपोक। ए? किसको बोला, क्या बोला तू, किसको बोला डरपोक? बब्बा रे, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तू गया काम से। ए, बस बस चलो यार, अभी ये रामायण खत्म हो गई, अभी आ रहे तुम लोग, चलो चलो, लेट्स गो नाउ, कम ऑन, चल चल। यार भास्कर, मैं अपने छोटे बेटे करण को लेकर बहुत परेशान हूँ। भाई क्या हुआ करण को? वो अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता। मैं उसे तुम्हारे पास शिमला भेजना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ एक दो महीने पढ़ेगा तो कम से कम इस साल तो अच्छे नंबरों से पास होगा। तुम फिक्र मत करो, उसे फौरन मेरे पास भेज दो। थैंक यू यार। प्रिया, आई डोंट अंडरस्टैंड यार, जब मैं जाना नहीं चाहता हूँ तो तुम लोग जबरदस्ती क्यों मुझे भेज रहे हो? इसलिए कि यहाँ रहोगे तो जो तुम्हारे दोस्त है ना खुद पढ़ेंगे ना तुम्हें पढ़ने देंगे। और बच्चू जी, इस बार अगर फर्स्ट नहीं आए तो डैडी के डांट से ना ताऊजी बचा पाएंगे ना मैं बचा पाऊंगी। प्रिया तुम समझते क्यों नहीं, पढ़ाई के अलावा भी तो दूसरे काम है दुनिया में। मुझे पता है तुम्हारे पास क्या काम है, तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे हो। डोंट वरी, एग्जाम होने के बाद हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे। वो तो ठीक है, पर मेरे जाने के बाद अगर वो किसी दूसरे से प्यार कर बैठी तो मैं तो उसके नाम की माला जपता रहूंगा। प्रिया तुम्हें नहीं पता आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि खूबसूरत लड़कियों के लिए लाइन लगी रहती है लड़कों की। माय डियर स्वीट इनोसेंट बेवकूफ ब्रदर, लड़कियां ऐसे नहीं प्यार करती। लुक एट मी, मुझे देख के लगता है कि मैं किसी से ऐसे ही प्यार कर लूंगी। अरे मैं तुम्हारी नहीं, खूबसूरत लड़कियों की बात कर रहा हूँ। व्हाट? सॉरी, मुझे ऐसे भी क्या इमरजेंसी थी कि तुमने अचानक शिमला जाने का प्रोग्राम बना लिया? चंद्रमोहन अंकल डैडी के बहुत अच्छे दोस्त है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, थोड़ी देर उनके पास रह लूंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। करण, हे प्रिया, इसमें तो मेरा नाम है ही नहीं। नो रिजर्वेशन, चलो घर जाते हैं। ए मिस्टर, ये बोगी नंबर S4 है और तुम्हारा रिजर्वेशन S2 में है, चलो उधर चलो। तुम लोग जाते क्यों नहीं? अरे ट्रेन चलने में भी टाइम है। अरे हाँ, हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो। ओह माय गॉड, पूजा पूजा कहाँ जा रही है तुम? चलो चलो अंदर। हेलो पूजा, कौन था वो, कौन था? फोटोग्राफ वाला। हाँ, चलो चलो ट्रेन चलने वाली है। पूजा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। पिछे आंदा मेरी पैड़ वेंदा आई वे, निगाह मारदा आई वे। सरदार जी, और कितना टाइम लगेगा? ओए ते गड्डी नु पता होवे जी, रुठी होई है, जरा जल्दी कीजिए ना, आप तो बस गाना ही गा जा रहे हैं। ओ बाऊ जी, पहाड़ा दी गड्डी है, गाना सुन के ठीक होंदी है। व्हाट नॉनसेंस, अच्छी बात नहीं, इससे अच्छा तो मैं बस में चला जाता। पिछे आंदा मेरी पैड़ वेंदा आई वे, निगाह मारदा आई वे, मेरा लौंग वाचा। सरदार जी, आप गाते रहो, मैं तो शिमला लिफ्ट लेके जा रहा हूँ। ना काका ना, वो लिफ्ट नहीं लेना, वो कार में आतंकवादी होते हैं, वो तू जैसे अमीर लोगों को किडनैप कर लेते हैं, वो मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, वो मैं तुझे छोड़ूंगा यार। ओ गॉड, आपकी बातों में तो मेरी कार भी मिस हो गई, डैडी को भी मुझे यही सजा देनी थी। प्रिया भी नहीं मानी, पटक दिया पहाड़ों में, दिल्ली में रहता तो कम से कम लड़की को तो ढूंढ लेता। वो गड्डी रिवर्स क्यों आ रही है भाई? हाय, गाड़ी खराब हो गई है, कैन आई हेल्प यू? वो मुझे शिमला जाना है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ,
ड्राइवर जी मैडम, सरदार जी की मदद करना, गाड़ी मैं ले जाऊंगी। ओके मैडम। ओके सरदार जी, सी यू लेटर, बाय बाय, टाटा। ओ बल्ले ओए, कुड़ी मिलती है अंग्रेजी शुरू। हाय, हम पूजा। करण, नाइस टू मीट यू। थैंक यू फॉर दिस ग्रेट हेल्प, वरना मैं तो इन पहाड़ों में फंस गया था। मुसीबत में किसी के काम आना, दरअसल मैंने आप ही से सीखा। मेरे से? हाँ, याद है उस दिन चाणक्यपुरी में बाइक से एक बच्ची को गिरने से बचाया था आपने? ओ हाँ, देखिए ना, कई लोग कीमती से कीमती शय को भी अनजाने में खोने लगते हैं। मेरी तरह। आपकी तरह? और क्या, उस दिन आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए आपके पीछे भागती रही, मगर ट्रैफिक लाइट शुरू हो गए और आप चले गए। फिर मैंने आपको निजामुद्दीन स्टेशन पर देखा था, आवाज दी भागकर दरवाजे पर भी आई, देखा तो आप फिर गायब। करण, लगता है काम बन गया। वैसे उससे पहले एक बार हम मंदिर में भी मिल चुके हैं। हाँ मंदिर में, और मंदिर के बाद सीधे इन पहाड़ों में। करण, यू सो इंटरेस्टिंग। ओह गॉड, ओह गॉड, पूजा, पूजा ब्रेक, पूजा संभालो, पूजा, पूजा ब्रेक, ओह गॉड, पूजा गेट आउट। डॉक्टर, कैसी है मेरी भतीजी, उसे होश आया क्या? डोंट वरी, शी इज ऑल राइट। क्या, आइए। थैंक यू। पूजा, पूजा पुत्र, इतनी देर कहां लगा दी? ओ चंदन की लकड़ी काटना, उसे लात के लाना कोई बच्चों का खेल थोड़ा ही है। चल बैठ जल्दी। ये कौन है? ओए चाड़ से लटक रहा था, लगता है आत्महत्या करने की कोशिश की होगी। मर गया, जिंदा है, सांस तो चल रही है, रास्ते में किसी अस्पताल में फेंकते जाएंगे। चलो जी। करण का कुछ पता चला अंकल? ये सब मेरी वजह से हुआ, वो तो अपने रास्ते जा रहा था, मैंने उसे लिफ्ट दी। वो कौन है, कहाँ रहता है, उसके माँ बाप को जब पता चलेगा तो उनकी क्या हालत होगी? ये सब सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल।
चिकू कुछ पता चला? अरे यार शहर के हर बंगले की खाक छान मारी लेकिन कहीं उसका पता नहीं लगा यार। किसी के बाप ने गाली देकर भगाया? हा? किसी ने कुत्ते पीछे दौड़ा दिए? और नहीं तो क्या, अरे एक ऐसी जगह नहीं बची जहाँ हमने उसे ना ढूंढा हो। मुझे तो लगता है वो इस शहर में है ही नहीं। कौन कहता है कि वो लड़की इस शहर में नहीं है? जी मैं। और मैं के बच्चे नालायको गधो, अगर तुम लोगों ने इतनी जल्दी हार मान ली तो मैं भी छित्तर मार के तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। ओए करण पुत्र, मैंने उस लड़की के बारे में सारी इंक्वायरी कर ली है। क्या? उसका नाम पूजा है ना? नाम तो मैंने आपको बताया था। ये तो नहीं बताया था कि वो अमेरिका से आई है? नहीं। और ये भी नहीं बताया था कि वो इंडियन कल्चर पर रिसर्च कर रही है? नहीं। और ये भी नहीं बताया था कि वो अपने अंकल राणा वरिंदर प्रताप सिंह के पास ठहरी हुई है? अब तो आपने उसका एड्रेस भी पता कर लिया होगा। ओए नहीं पुत्र, यही तो पता नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे घर का पता कर लिया है। Karan, how are you feeling? Better, much better. Now to very much better. I'm sorry, Karan. The truck driver was driving so rash, so fast. Suddenly he came in the front and I lost control of the steering wheel. I'm sorry, Karan. बेटे, मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? इसे बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। Autograph, please. Autograph? जी हाँ। इसे जब भी कोई अच्छा इंसान मिलता है तो अपनी याददाश्त के लिए उसके ऑटोग्राफ्स ले लेती है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। कल से मैं भी ये हैबिट डालूंगा। लेकिन मैं ना खड़ूस लोगों के ऑटोग्राफ लूंगा। और कृष्णे, हाँ जी, पहला ऑटोग्राफ मैं तेरा लूंगा। भाई साहब आप भी। ये तो आज का हो गया, दूसरा ऑटोग्राफ उस दिन का जब तुमने बच्ची की जान बचाई थी। ओह ओए वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ओए मुंडिया ये तो कमाल हो गया। ओए जिस लड़की को तू ढूंढ रहा था ना वो तुझे ढूंढती हुई यहाँ आ गई। अब इस मोहब्बत के खेल को टेस्ट मैच की तरह मत खेलना, वनडे मैच की तरह खेलना। ओए सोच क्या रहा है, नेक्स्ट मीटिंग में उसे बोल देना आई लव यू। अरे बेवकूफ, ताऊजी का कहना मानोगे ना तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। जिंदगी में कभी रोमांस किया है क्या उन्होंने जो वो तुम्हें आइडिया दे रहे? अरे तो फिर तू ही बताना क्या करना चाहिए मुझे। देखो कर, पूजा एक समझदार और मैच्योर लड़की है। अकॉर्डिंग टू मी आई लव यू बोलने से पहले तुम्हें उससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, दोस्ती बढ़ानी चाहिए। हो सकता है इसमें वक्त लग जाए बट डोंट वरी, दोस्ती करते करते जब तुम उसके दिल के करीब आ जाओगे तब वक्त आएगा आई लव यू बोलने का। फिर तुम क्या देखना, वो खुद ही बोल देगी आई लव यू करण। अबे तेरी बहन प्रिया डॉक्टर है, फिलोसोफर नहीं है, वो सिर्फ सर्दी जुकाम की दवा दे सकती है। अबे पागल, अगर अपनी बहन की बात मानेगा तो पता है क्या होगा? क्या होगा? 6 महीने तुझे दोस्ती करने में लगेंगे, 6 महीने करीब आने में लगेंगे और 6 महीने बाद जब तू आई लव यू बोलेगा तो कहेगी 6 महीने बाद तो मेरी शादी हो रही है। या, तुम लोग क्या सब गलत सलत बोल बोल के इसके दिमाग का भजिया तल रहे हो यार। अरे प्रिया में हम तुम सबसे मिला के ज्यादा इंटेलिजेंस है, वो जो भी बोलेगी सही बोलेगी। यस ही इज राइट। आओ मेरे पलटू प्रसाद। मतलब पहले दोस्ती बाद में आई लव यू? पर डब्बू ये कैसे पता चले कि वो भी मुझसे दोस्ती करना चाहती है? अरे मेरे भाई, अगर उसके दिल में तेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है ना तो आज तेरे घर जरूर आएगी। अगर आ गई तो समझ ले उसके दिल में भी तेरे लिए कुछ कुछ होता है मेरी जान। और अगर ना आई तो? ना आई तो समझ ले कि कुछ भी नहीं होता यार। आइए आइए, साहेबजादे को घर आने की फुर्सत मिल गई। कहां था इतनी देर तक? डैडी वो अपनी ऑर्केस्ट्रा की रिहर्सल में गया था। अरे हाथ पांव टूटने के बाद भी तुझे चैन नहीं है? अगर बैंड बजाने का इतना शौक है तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ और शादियों में बैंड बाजा बजाना शुरू कर दे। तेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और 4 पैसे भी मिल जाएंगे। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा रोटियां तोड़ सो जा नालायक। और सुन, वो आई थी, क्या नाम है उसका? पूजा। क्या पूजा आई थी? ओए ये पूजा के नाम पे उछलने की क्या बात है? नहीं नहीं बस यूं ही। कब आई थी डैड? अरे कब आई थी के बच्चे, पूजा को छोड़ और ये बता कि ट्यूशन के जो पैसे जमा किए थे वहाँ जा भी रहा है कि नहीं? जाऊंगा डैड, कल से ही जाऊंगा। प्रिया हा? पूजा आई थी? हाँ। कुछ कहा उसने? कहा ना। क्या कहा? प्रिया कहाँ है मेरा प्यार, कहाँ है मेरा करण, आई हूँ तो उसे शादी करके ही जाऊंगी। चुप है, तू तो हमेशा मजाक करती रहती है। आओ। अरे ओ पागल प्रेमी, जरा संभल के। बड़े पापा, बड़े पापा, पूजा आई थी आपसे मिली क्या? पूजा आई थी? मुझे तो नहीं मिली। तो किसको मिली थी वो? पापा तो कह रहे थे कि वो आई थी। ओए बोले पंडारी,
तू आज तक अपने बाप को समझ नहीं पाया? वो एक नंबर का घाग है, घाग। वो पूजा का नाम लेकर तेरा मन पढ़ना चाहता है, तेरे चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन आती है वो देखना चाहता है, और तू उसकी बात को सच मान बैठा। ओए पुत्र, इतनी जल्दी उदास हो गया, तो इधर आ, इधर आ बैठ। पूजा यहाँ आई थी क्या? और बहुत देर तक मेरे पास बैठी रही, समोसे खाए, चाय पी, और तेरे बारे में ही बात करती जा रही थी। सच बड़े पापा? ओए तेरा हाथ। प्रिया, पूजा आई थी। माय डियर स्वीट इनोसेंट बेवकूफ ब्रदर, प्यार का सेमीफाइनल तो तुम जीत गए हो, अब फाइनल की तैयारी करो। फाइनल की yes! दे चोरी चोरी
जिया मिला कि तूनी दिल कुछ नया लूटा 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 मेरा जिया ओ मैंने कोई जादू नहीं किया तूने मेरे पीछे आया पिया अखियों ने रात क्या जादू किया मैंने कोई जादू नहीं किया क्या जादू किया क्या जादू किया मैंने कोई जादू नहीं किया तूने मेरे पीछे आया पिया मैंने कोई जादू नहीं किया पुत्र जी बड़ी मेहनत करते हो आप अब सो भी जाओ बस अंकल अपनी फ्रेंड को ईमेल भेज दो फ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को अंकल भाई ये टिकी हुई रात और ये संजीदा आंखें तो यही कह रही हैं कि इनमें किसी बॉयफ्रेंड का सपना है यू एब्सोल्युटली रॉन्ग अंकल मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ वक्त की कीमत को अच्छी तरह जानती हूँ मेरा सपना किसी बॉयफ्रेंड का प्यार पाना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के मकसद को हासिल करना है अच्छा और हम जान सकते हैं कि पुत्र जी की जिंदगी का मकसद क्या है अंकल मैं अपने पापा के अधूरे सपने को पूरा करना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया जान सके इंडियन कल्चर कितना महान है मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ ताकि लोग गर्व से कहें कि मैं प्रताप परिवार की बेटी हूँ क्या हुआ अंकल बिल्कुल अपने पिता राज की तरह बात करती हो वही लगन वही आत्मविश्वास I'm proud of you, बेटा। इतनी कम उम्र में इतने बुलंद इरादे मुझे यकीन है कि एक दिन तुम राज के सपने को पूरा करने में जरूर कामयाब होगी मीट माई फ्रेंड्स हॉस्टल से आई हैं। Hi girls. Hi करण। बस बस ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है रिलैक्स करण मेरी सहेलियां तीज का त्योहार मनाने आई हैं। कम से कम ढंग के कपड़े तो पहनो क्या समझेंगी वो तुम्हारी फ्रेंड्स की जो शक्लें हैं ना उनके लिए ये ड्रेस एकदम फिट है प्रिया देख तू इस फोटो में कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी खूबसूरत फोटोग्राफ से तो एल्बम भरा पड़ा है क्यों भैया या ऑफ कोर्स मैं तुम्हें दूसरे फोटोग्राफ दिखाऊं अच्छा अपनी तारीफ खुद किए जा रही है अभी बताता हूँ ये देखो ये मेरी स्कूल टाइम की फोटोग्राफ है अरे प्रिया कितनी स्मार्ट लग रही है गर्ल्स प्रिया के एक और खूबसूरत फोटो दिखाना चाहेंगी आप जिसमें एक गंजी है पर्ल यू नो नहीं नहीं करण वो फोटोग्राफ मत दिखाना प्लीज क्यों इस फोटो में क्या खराबी है अगर वो फोटोग्राफ दिखाओगे ना मारूंगी मैं तुम्हें तो फिर मैं दिखाई देता हूँ नहीं मैं तुम्हें अभी बताती हूँ पकड़ो 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 इधर आओ प्रिया इधर आओ क्या कर रहे हो तुम दोनों देखो ना माँ हनुमान में माल बुटवाने के बाद जो तस्वीर आपने ली थी ना वो तस्वीर इसने मेरे दोस्तों को दिखाए अब सब मुझे टीज करेंगे क्यों रे करण इसको रुलाए बिना तुझे चैन नहीं नाचना बंद करो माफी मांग अपनी बहन से चले गो ना करण छोड़ूंगी नहीं तुझे छोड़ूंगी नहीं करण अभी दिखाता हूँ उस पर रंग फेंक दिया समझते क्या मैं आपको हाय प्रिया ये क्या कार्टून जैसी शक्ल बना रखी है इसने ये शक्ल इसी ने बनाई है मेरी वेरी गुड भाई वेरी गुड वेलकम पूजा बिटिया वेलकम जीती रहो जीती रहो भाई अमेरिका में रहकर भी तू इंडियन कल्चर को नहीं भूली है अंकल जिस कल्चर पर रिसर्च कर रही हूँ उस कल्चर को कैसे भूल सकती हूँ मैं अरे वाह तब तो तेरी थीसिस के लिए यहाँ बहुत मसाला है क्या हो रहा है ये सब अंकल देखो बेटा आज तीज का त्योहार है इसमें औरतें और लड़कियाँ मेहंदी लगाती हैं चूड़ियाँ पहनती हैं घर बैठे बैठे शॉपिंग करती हैं झूले झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं वाओ फिर मैं भी ये त्योहार मनाऊंगी हाँ मना भी और अपने प्रोजेक्ट में लिख भी ओए क्या लंगूर जैसी शक्ल बनाई हुई है जा जाके अपना बूथा धो के आ और कार्टून चैनल में से निकल के फैमिली चैनल में आ जा जा तुम्हारे घर में आकर मुझे इतनी खुशी मिली जो मुझे पहले कभी नहीं मिली अमेरिका में इतना अपनापन प्यार मोहब्बत पाना तो छोड़ो
वहाँ तो वक्त गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। करण लड़की के साथ? अरे जिगर का टुकड़ो पटाली, लगता है मैटिनी शो देखने ले जाएगा। अच्छा ये बताओ तुम क्या करते हो? कहने को तो पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई में मेरा दिल नहीं लगता, इसी वजह से डैडी हमेशा डांटते रहते हैं। तुम्हारी उम्र के तो लोग सिर्फ पढ़ाई में दिल लगाते हैं, तुम्हारा दिल कहाँ लगा रहता है? क्या बताऊँ, पता नहीं। ये लड़के कौन है जो हमें घूर घूर के देख रहे हैं? मोहल्ले के टपोरी लड़के, बाप की कमाई वाले, पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं, दिन भर आवारा करती। अब क्या बताऊँ, मैं तो ऐसे लड़कों को मुंह ही नहीं लगाता। बहुत समझदार हो, जैसी कंपनी से दूर। करण करण आज तो तेरे को आवारा टपोरी। साले लड़की को देखा तो हमारा दिल आपके पास है, और हमको देखा तो हम आपके हैं कौन? लड़की को पटा लिया और हमको हटा दिया, और बच्चू हमारे साथ इंटरव्यू नहीं करवा रहा। अरे बेवकूफो, पहले ये तो कंफर्म हो जाए कि वो मुझे प्यार करती है। अभी तक तो मैं सिर्फ उसका दोस्त ही बनाऊ, आज ही तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा दूंगा तो तुम भी दोस्त बन जाओगे, फिर तुम में और मुझ में फर्क क्या रहेगा यार, इसीलिए अवॉइड करा था। कहाँ गायब हो गए थे करण? नहीं वो पानी पीने गया था। पानी पीने? अच्छा पूजा ये बताओ, तुम अमेरिका में अकेली रहती हो, कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है क्या? है ना, हैरी नाम है उसका, मेरा क्लासमेट है, बहुत अच्छा इंसान है वो, कंपटीशन में हमेशा मुझसे आगे रहता है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। हेलो, यो, सलाम, सत श्री अकाल, हम टपोरी नहीं करण के दोस्त हैं। करण ये सब तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ वो बस वो बस बस क्या आ रही है, अपने मुंह हमारा इंट्रोडक्शन करेगा नहीं, हम खुद अपना इंट्रोडक्शन कर देते हैं। यो आम चीकू। चीकू मैं रोनी, मैं अपने मुंह में मिठू नहीं बनना चाहता, ए सैंटी तू ही बता देना प्लीज। इसके पैदा होने से पहले इसके पिता भगवान से प्रार्थना करते थे कि लड़का पैदा हो, और इसकी माँ प्रार्थना करती थी कि लड़की पैदा हो, अब भगवान जी भी कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए उन्होंने इसके अंदर 50% लड़की के और 50% लड़के के गुण डालकर जमीन पे फेंक दिया। नाचिस को डब्बू कहते हैं, और इनका बायोडेटा मैं देता हूँ। क्या है कि गवर्नमेंट की 5 वर्षीय योजना फेल हो गई, लेकिन इनकी पास हो गई। वो कैसे? इनसे हमारी दोस्ती जब हुई थी तब ये 5 साल हमारे सीनियर थे, अब इन्होंने दोस्ती की खातिर मैडम दोस्ती निभाने 5 साल एक ही क्लास में हमारा इंतजार किया, और तब से हम साथ साथ हैं। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे खुशी तो आपको तब होगी जब आप हमारा ऑर्केस्ट्रा सुनेंगी। ऑर्केस्ट्रा? हाँ करण ने बताया नहीं आपको कितना अच्छा गिटार बजाता है? करण तुम्हारे अंदर इतना अच्छा टैलेंट है और तुमने छुपाया, वैसे तुम लोगों की रिहर्सल्स कहाँ होती है? वहाँ। ग्रेट। लेकिन पूजा तुम्हें तो इन सब में इंटरेस्ट नहीं होगा ना? क्या मतलब? मतलब तुम एकदम स्टूडियस इंटेलिजेंट टाइप्स हो ना? स्टूडियस हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, पर बोरिंग नहीं हूँ। अगर तुम ऑर्केस्ट्रा कमाल का बजाते हो तो मैं डांस कमाल का करती हूँ। अरे वाह, तब तो घोड़ा दूर ना मैदान, कल ही हमारे कॉलेज के फंक्शन में एक लड़की की जरूरत है। That's it. पूजा मदद करोगी ना हमारी? मदद करोगी नहीं, मदद कर दी। See you on the floor.
यार तेरी बहन के हिसाब से तेरी पूजा से दोस्ती भी हो गई, अब आई लव यू कब बोलेगा बता? रोज गाड़ी पूजा के घर के सामने लाके खड़ी कर देता है, अरे अंदर क्यों नहीं जाता? पता नहीं डब्बू, कुछ घबराहट सी होती है यार। अबे घबराहट काहे की, वो भी तो तेरे घर दो बार आ चुकी है ना, तू कह देना यहीं से होकर गुजर रहा था, सोचा टहलते टहलते मिलता चल। अगर वो समझ गई कि मैं जानबूझकर उसे मिलने आया हूँ तो? अरे यार तुझे हो क्या गया, तू वही लड़का है ना जिसने चीकू के प्यार के लिए एमएलए की लड़की को घर से उठा लिया था? हाँ। जब तू उसकी मदद कर सकता है तो अपनी मदद करने में क्यों जान निकल रही है? अब जा, हिम्मत कर, जाके घुस और बोल दे आज। जा। हे भगवान, इसका काम करना, काम तमाम मत कर देना। वाह, व्हाट अ शॉट अंकल। अरे आओ करण, हाउ आर यू बेटा? फाइन अंकल। हैरी, मीट करण। या? इसने अपनी जान पर खेलकर पूजा की जान बचाई। डेयरिंग यंग बॉय। हेलो, नाइस टू मीट यू। करण, हैरी बहुत जल्द हमारे घर के दामाद बनने वाले हैं। हैरी नाम है इसका, मेरा क्लासमेट है, बहुत अच्छा इंसान है वो, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। चौधरी साहब, हमारे भाग्य बहुत अच्छे हैं जो आप जैसे लोग मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। लो आ गया हमारे घर का सबसे लाडला बेटा। ओए, कहाँ था तू अब तक? अरे मेहमानों के सामने तो अपने आप को कंट्रोल किया कर। चौधरी साहब, ये है मेरा छोटा भाई करण। नमस्ते। नमस्ते। आओ चौधरी साहब, आओ जी। अच्छा जी, आइए आइए। भैया कौन है ये लोग? अरे प्रिया को देखने आए थे, रिश्ता भी पक्का हो गया। किसके साथ? अरे वो है ना सामने डॉक्टर राजेश, वो। बाय। चलो। माँ, मैं ऐसे पायलट से शादी करूंगी जिसकी ऋतिक जैसे आंखें हो, सलमान जैसा फेस, शाहरुख जैसे बाल। ऐसा स्पेशल पायलट तो तेरे लिए कंप्यूटर में डिजाइन करना पड़ेगा। ना बेटी, हम तो तेरे लिए डॉक्टर लड़का ही ढूंढेंगे। नहीं माँ, मैं जिंदगी भर कुंवारी बैठूंगी मगर मैं डॉक्टर से शादी नहीं करूंगी। क्यों? फिर तो घर में भी डॉक्टर, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर। अरे पर तेरे लिए पायलट लड़का ढूंढेंगे कहाँ से? ये है ना माई डियर स्वीट इनोसेंट बेवकूफ ब्रदर, ये ढूंढेगा मेरे लिए। माँ, माँ, आप लोग प्रिया की शादी ऐसे आदमी के साथ क्यों कर रहे हैं जो प्रिया के लायक नहीं है? ओए, तेरी तरह बेकार और निकम्मा नहीं है, डॉक्टर है, डॉक्टर दोनों हाथों से कमा रहा है। आप मत बोले डैडी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। आपको ये लड़का पसंद आ गया तो इसका मतलब प्रिया की जबरदस्ती शादी कर देंगे। क्या कह रहे हैं तू? हाँ माँ, ठीक कह रहा हूँ मैं। ओए करण पुत्र, क्यों बेकार की बहस कर रहा है? बाबा नहीं जानते, लेकिन मैं प्रिया की पसंद को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैं डैडी को प्रिया की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। ओए करण पुत्र, सुन तो सही, तू क्या समझता है कि शादी हमारी पसंद से हो रही है? प्रिया ने ही उस लड़के को पसंद किया है। क्या? हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रिया, 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 ये सब क्या है? चलो डैडी को बोलो तुम्हें शादी नहीं करना चाहती। चलो प्रिया। पागल हो गई हो क्या? आप पागल हो गया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ तेरी पसंद क्या है, लेकिन डैडी के दबाव में आकर तुम्हें डिसीजन ले रही हूँ। चलो प्रिया। शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। अपनी मर्जी से कर रही हूँ। राजेश मेरे कॉलेज में मेरे सीनियर है, वो मुझे पिछले 3 सालों से दिली दिल में चाहते हैं। बहुत कोशिशों के बाद ही कुछ दिन पहले ये बात मुझे कह पाए। तो क्या हुआ? उनसे साफ कह देती कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, अपने लिए किसी और को ढूंढ लो। अगर यही बात पूजा तुमसे कह दे तो? सोचते हुए भी डर लगता है ना, बस यही सोचकर कि उनका दिल ना टूटे मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। तो तेरा मतलब है तू सिर्फ उसका दिल रखने के लिए अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस कर रही है? सैक्रिफाइस नहीं, उनका सच्चा प्यार देखकर ही मेरे मन में उनके लिए प्यार जागा है। और फिर शक्ल सूरत से क्या होता है, मैं जानती हूँ कि वो मुझे खुश रखेंगे और मैं भी उनके साथ खुश रहूंगी। अरे तू क्यों उदास हो रहा है? समझ गई, बहन घर से जाएगी इसलिए ना, तू फिक्र मत कर। बहन ब्याह कर दूसरे घर जाएगी तो पूजा ब्याह कर इस घर में आएगी। बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, छुट्टियां खत्म होने से पहले तू मुंबई क्यों जा रहा है? माँ समझती नहीं हो, इस बार जल्दी चला जाऊंगा ना तो प्रिया की शादी पर एक्स्ट्रा लीव मिल जाएगी मुझे। अरे माँ ये चार बचार क्यों रख रही हो, वहाँ सब कुछ मिलता है ना। भैया कल मैं भी आपके साथ मुंबई चलूंगा। क्यों, तुझे यहाँ क्या कमी है? कमी कुछ नहीं है, पर अब मैं शहर में रहना ही नहीं चाहता। थैंक गॉड इतने दिन बाद अकल आई है इसे। अरे पंकज ले जा इसे। डैडी आप इसकी बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? क्यों भाई, इस घर में सबने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, तू कम से कम डिग्री भी पूरी करेगा कि नहीं?
अरे डिग्री पूरी करेगा तो कौन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर लेगा? मैं तो कहता हूँ कि आज रात को ही जाके इसका टिकट कटा ले। हाय करण। ओ हाय। अंकल ने बताया कि तुम घर पे आए थे, फिर मैंने प्रिया को फोन किया, उसने बताया कि तुम मुंबई जा रहे हो। कुछ खास काम है क्या जो अचानक प्रोग्राम बना लिया? नहीं, ऐसे ही। मैंने सोचा कि कब तक मैं डैडी की डांट खाता रहूंगा, मेरी वजह से उनको कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। खैर तुम बता, शादी कब है? पहले तुम बताओ। तुमने तारी को देखा है ना, कैसे लगे वो? बहुत अच्छे हैं। सच बताओ करण, हैरी जैसा इंसान बहुत किस्मत वाले को मिलता है। उनकी तारीफ में मेरे पास शब्द ही नहीं है। जब वो पहली बार इंडिया आए थे, मैंने ही उन्हें अंकल से मिलवाया था। बस उसी वक्त वो अपना दिल हार बैठे। पता है, अंकल तो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन मैं अड़ी रही कि अगर शादी होगी तो सिर्फ हैरी के साथ। सच बताओ करण, कितनी खुशकिस्मत है सिमी। सिमी? हाँ हाँ सिमी, उसी की तो शादी हो रही है हैरी के साथ। सिमी की? कमाल है, तुम तो ऐसे बोले जैसे कि तुम सिमी को पहचानते नहीं। नहीं नहीं, पहचानता हूँ, बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। एक मिनट, वन मिनट, जस्ट वन मिनट, आई बी बैक। यस, ये मैन कॉल इज ग्रेट। यस करण, करण यार ट्रेन का टाइम हो गया और तू। अरे पूजा तुम यहाँ? नमस्ते। नमस्ते। अरे भैया एक मिनट। क्या है पूजा? वन मिनट। क्या हुआ भैया? मैं मुंबई नहीं जा रहा। क्या, क्यों नहीं जा रहा तू? अगर मैं मुंबई चला जाऊंगा तो मेरी पढ़ाई का नुकसान होगा। तुम लोगों ने जितना चाहा पढ़ लिया, अब मैं क्यों ना पढ़ूं? समझ गया, डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तू अपना इरादा कभी भी बदल सकता है। अरे छह घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद मैंने तत्काल में टिकट कटवाया और तू? जा रहा हूँ मैं, बाय पूजा। ओ भैया वो क्या है ना, मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है, जरा 2000 रुपए माँ के पास छोड़ दो ना। अच्छा। ओके भैया, सी यू। कम ऑन करण, पापा 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 पापा। करण मुंबई जाके तुम मुझे फोन करोगे ना? मुंबई? मुंबई कौन जा रहा है? तुम? मैं मुंबई नहीं जा रहा। क्यों? वो भैया परेशान हो रहे थे, कह रहे थे तुम अभी बच्चे हो, ये कोई उम्र है तुम्हारी नौकरी करने की? पहले पढ़ाई करो फिर नौकरी। पर तुमने क्या सोचा? मैंने भैया का कहा मान लिया। You know, पूजा, I must concentrate on my studies now. Very good, very good. अरे करण, आज तुम अकेले? तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? आज संडे है ना, सब डिस्को गए हैं। तुम नहीं गए? शायद तुम्हें पता नहीं कि डिस्को में जाने के लिए पार्टनर की जरूरत होती है, और मेरे पास कोई पार्टनर ही नहीं है। तुम्हें डिस्को जाने का बहुत शौक है ना? बहुत। कल शाम को 6 बजे मेरे घर पे पहुंच जाना, डिस्को जाने के लिए मैं तुम्हारी पार्टनर बनूंगी। सॉरी ओनली कपल। हे कम पूजा।
ओ करण पुत्र, तेरे नाम का पार्सल आया है। क्या? वाओ, मेरा पार्सल आ गया। सबर कर, पहले ये तो बता कि इसमें है क्या। पोस्टकार्ड है, सिर्फ पोस्टकार्ड। पोस्टकार्ड तो तेरे बाप को दे देता हूँ, चिट्ठियाँ लिखने के काम आए। ओ नहीं बड़े पापा, उनको मत देना प्लीज। तो पहले बता कि क्या है इसमें। बताता हूँ, पहले आप दो तो सही। दे दूँ? प्लीज बड़े पापा। तो ये ले। ओए, ये तो ढेर सारे गत्तों के टुकड़े हैं। पढ़ाई छोड़कर कबाड़ी बनने का इरादा है क्या? नहीं बड़े पापा, इन सारे कार्ड में एक खूबसूरत तस्वीर छुपी है। क्या मतलब? मतलब कल पूजा का बर्थडे है, तो मैं बिना बोले उसको एक गिफ्ट देकर अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। वो कैसे? अभी दिखाता हूँ। क्यों बड़े पापा, इसमें मेरा प्यार झलकता है ना? ये डिजाइन बनाया किसने पुत्र? मेरे एक दोस्त ने। महा बेवकूफ है तेरा दोस्त। क्यों? अरे पुत्र, तुझे तो ये सब जोड़ना आता है, लेकिन पूजा को दे दिया तो अपनी शक्ल का कबूतर बना देगी। ये सब पुरानी चीजें हैं। मॉडर्न आशिक बन मॉडर्न। वो फिल्म देखी है ना तूने, डर? उसमें शाहरुख ने अपनी छाती के ऊपर महबूबा का नाम लिख दिया था, किरण। वैसा कुछ सोच। थिंक पुत्र, थिंक। आइडिया। हाय करण। ओ हाय पूजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे सूट बूट चश्मा वश्मा, आज बिल्कुल हीरो लग रहे हो तुम। भैया तुम्हारा बर्थडे जो है। हाँ सो तो है। पूजा मैं सोच रहा था, यू बिलोंग टू अ वेरी राइस फैमिली। बहुत बड़ी पार्टी होगी, लोग होंगे, गाना होगा, डांस होगा, जैसे फिल्मों में होता है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। करण कम ऑन, आओ करण अंदर आ जाओ। ये देखो तुम्हारे लिए, फॉर आवर फ्रेंडशिप। अरे ये क्या, आज के दिन तो मुझे कुछ देना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? ना ना ना, खोलना नहीं, घर जाकर खोलना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके हाँ, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। Hold on, here it is. Wow. इसे खोल कर देखो, मुझे अच्छा लगेगा। ओके। ओह, how nice. Something special? जरा गौर से देखो, कुछ खास बात है इसमें। अच्छा? अपने खून से लिखा है हमने। What? What a silly joke. How disgusting. Are you mad? पागल हो गए तुम क्या? मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी घटिया हरकत करोगे। Why do you upset me, Karan? Why? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। I don't like all this. तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। वो लड़की बिल्कुल अलग टाइप की है यार, उसकी सेंसिटिविटी सेंसिबिलिटी सब कुछ अलग है करण। ये हिंदी फिल्म वाले टोटके उसके लिए कोई मायने नहीं रखते भाई। शुक्र है इसने सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिख के दिया है, अगर आई लव यू लिख दिया होता ना तो वो इसे धक्के मार के बाहर कर देती। मेरे लाल, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि बेटा एक कैटेगरी की लड़की के चक्कर में मत पड़ो। ये क्या है? पूजा ने गिफ्ट दिया। ओ, नाराज होने का गिफ्ट दिया होगा। ओए अंदर ले, खोल इसे, खोल 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 इसको, खोल। अबे है क्या इसमें? ओए करण ट्रम्पेट, साथ में लेटर भी है यार। माय डियर करण, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरी हर सांस तुम्हारी देन है। तुम्हारा दिल कितना अच्छा है जो दूसरों की तरफ का एहसास रखता है। करण, मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे म्यूजिशियन हो,
मगर पूरी तरह तुम उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो। तुम्हें अपनी जिंदगी में एक बड़ा म्यूजिशियन बनना है, क्योंकि जिंदगी में हर आदमी का एक मकसद होता है। मेरा ये गिफ्ट हमेशा तुम्हें अपने मकसद की याद दिलाता रहेगा। आप समझा वो तुझसे क्यों नाराज हुई और क्यों डांटा? अरे यार, अगर वो तेरे बारे में इस हद तक सोच सकती है तो तू सोच यार, वो तुझसे कितना प्यार करती होगी। अब टाइम वेस्ट मत कर, जाके उसे बोल दे आई लव यू। ये लेटर लिख के उसने तुझे हरी झंडी दे दी है मेरे लाल। करण, ऑल सिस्टम गो है, तू अपने प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ा, हौसला रख, उसके पास जा, उसको बोल आई लव यू। जान करण, बहन के भाई किधर जा रहा है ये लहराता हुआ गाड़ी पे है? देखता नहीं हमने सड़क बंद कर रखी है। किसी की शादी में जा रहा है क्या ये भोपू लेके? अरे ये इससे भड़क रहा है जैसे इसकी प्रेमिका ने दिया हो। लगरू विद लव फ्रॉम पूजा। आय हाय पप्पा रे, इतनी सी बात पे इतना गुस्सा? में कितने सपने सजाए थे मैंने, इसके लिए दिन रात बिना सोए पढ़ाई करती रही मैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी मंजिल साफ दिखाई देने लगी है। अरे ये चोट कैसे लगी? ओह, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक हो जाएगी। करण, कहीं कल वाली बात से नाराज तो नहीं हो? देखो उसमें गलती तुम्हारी थी, दोबारा मत करना। ओके ओके पुत्र जी, मुबारक हो जी, मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। वाओ, दैट्स लवली। बल्ले बल्ले बल्ले। नमस्ते जी, आइए आइए। अरे नहीं, मुझे नहीं, उधर जाके दीजिए। तुम भी क्या कर रहे हो? अच्छा प्लीज कर लो। क्या बात करना?
मुबारक हो जी, मुबारक हो। हाय अब मुझे कंग्रेचुलेट करो। किस लिए? पहले करो तो सही, पर क्यों? मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, मैं अमेरिका जा रही हूँ। प्रिया तुझे बुला रही है। प्रिया क्या बात है, किस लिए बुलाया यहाँ? करम पूजा वापस अमेरिका जा रही है। ओ तो ये कहने के लिए बुलाया तुमने, चलो। तुम तो ऐसे इजी ले रहे हो जैसे कोई बात ही ना हो। इसमें बात क्या हो सकती है, इन एनी केस उसे जाना तो था ही। पूजा ने मना कर दिया। नहीं, तुमने से कहा कि नहीं कि तुम इसे प्यार करते हो, तो मैं भी जाकर पूजा से बोल देती। नहीं प्रिया प्लीज, और तुम्हें तो कहा था कि सबसे पहले उससे दोस्ती करो, और पूजा से दोस्ती करने के बाद ही मुझे पता चला कि मैंने उससे एक तरफा प्यार किया था। प्रिया पूजा हावर जाने को लेकर इतनी खुश है कि मैं अपने प्यार का इजहार करके उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे लगता है मेरे प्यार से ज्यादा खुशी उसे अपनी चुनी हुई जिंदगी से मिल सकती है। अगर तुम्हें दोस्ती ही रखनी थी तो इतने दिन तक क्यों उसके पीछे बागलों की तरह भागते रहे? जानती हो प्रिया, सच्चे प्यार का क्या मतलब होता है? अपने प्रेमी को खुश देखना, और पूजा मेरा सच्चा प्यार है। मैं पूजा को सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। खुद को दुख पहुंचाकर? बेशक, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि पूजा को मेरे प्यार के बारे में पता चले। मुझे मालूम है कि तुम भी उससे कुछ न कहोगी। प्रॉमिस। ओए पंकज इधर आ। हाँ ताऊ जी। ओए अंदर जाके क्या है कि विदाई का टाइम निकला जा रहा है, जल्दी करो जी। और मैं सामान प्रिया के ससुराल पहुंचाने के लिए ट्रक के साथ ही जा रहा हूँ। अच्छा ताऊ जी। ओए कबूतरो, ओए सामान रख दिया कि नहीं? अरे ताऊ जी रखा, नहीं गिन के रखा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। कैसी बातें कर रही है बेटी, तुझे हम कैसे भूल सकते? करण कहाँ है? करण कहाँ है? बेटी वो यही कहीं होगा, उसकी फिक्र छोड़, देर हो रही है, तू जा। मैं से मिले बिना कैसे जा सकती हूँ? अरे बेटी ये कहाँ जा रही हो? प्रिया प्रिया इंतजार कर रही हूँ। करण 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 यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे विदा करने नहीं आओगे? प्रिया तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो? करण प्रिया ये क्यों हो रहा है? मेरे भाई के साथ ही क्यों हो रहा है? प्रिया प्रिया अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ ये होगा तो मैं इसी दिन कह देती कि पूजा से जाकर अपने प्यार का इजहार कर लो, दोस्ती करने के लिए कहती ही नहीं। तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है, मैंने तुम्हें क्यों रोका? क्यों रोका मैंने तुम्हें? नहीं प्रिया नहीं। ऐसा मत कहो प्रिया, तुमने कुछ नहीं किया, जो हो रहा था सो हो गया प्रिया। इट्स माय लक प्रिया, मत रो प्रिया, मेरे लिए मत रो। सॉरी प्रिया, मुझे आने में देर हो गई। विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। चलो बेटी। अच्छा प्रिया अपने ख्याल रखना। डैडी
पूजा आप लोगों का आशीर्वाद लेने आई है, कल ये अमेरिका जा रही है। ओ। सुखी रहो बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे। God bless you, बेटा। God bless। ताऊ जी कहाँ हैं? वो प्रिया को छोड़ने उसके ससुराल गए, कल वापस आएंगे। डोंट वरी, मैं उनको बोल दूंगा। अच्छा अंकल, ऑल द बेस्ट बेटा, चलती हूँ। ओके करण, मैं चलती हूँ, भूला नहीं कल 10 बजे की फ्लाइट है। बाय बाय। मेरे बेटे, डैडी, ना मेरे बेटे, ना मेरे बेटे, ना। I'm proud of you. पूजा, पूजा, कहाँ खो गई तुम? हाँ आकाश, अंकल का ख्याल रखोगे ना? Of course, पूजा, you don't worry. ओ पुत्र जी, क्या गलती हो गई जी हमसे, हमें एयरपोर्ट आने के लिए मना कर दिया, अच्छा नहीं लगा बेटे। इसलिए अंकल, यहाँ मुझे हौसला देकर भेज सकते हैं, वहाँ खुद अपना हौसला न रोक पाए तो क्या होगा? आपकी आंखों में आंसू देखकर मैं अपने आप को संभाल न पाऊंगी अंकल, फिर तो शायद जा ही ना सकूं। ओके ठीक है, बहुत हौसला है मेरे अंदर, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ पुत्र जितना तुम समझ रही हो। चलो चलो। अपना ख्याल रखना अंकल। अरे तू भी अपना ख्याल रखना पुत्र, तू बहुत ही अच्छे काम के लिए जा रही है, मैं चाहता हूँ कि जब तू लौट कर आए तो तेरी पढ़ाई, तेरी सलाहें हमारे देश के काम आए। अच्छा सिमी, पूजा मत जाओ। अरे पागल, अपनी बहन को रोते हुए विदा करेगी? तुम रुला कर ही तो जा रही हो। बेवकूफ ने तय कर लिया कि वो अपने प्यार का आजहार नहीं करेगा और तुम लोग चुप बैठे रहे। हम क्या करते, उसने हम सबके मुंह क्यों बंद कर रखे थे? मैं देखता हूँ वो मेरा मुंह बंद कैसे करता है। भाई साहब, चलिए भाई साहब, अब तू कहाँ जा रहा है? मेरे बेटे का ब्याह जा रहा है और मैं चुप बैठा रहा हूँ, मैं रोकूंगा उसे चाहे मुझे पूजा के पैर क्यों ना पड़ने पड़े। अरे ओ बाबा सहगल के जमाने के केएल सहगल, अभी भी वक्त है इससे पहले कि फ्लाइट टेक ऑफ कर जाए। तू भी चेक इन कर ले यार, मतलब तू उससे जाके बोल कि तू उससे प्यार करता है, और अगर तुझमें हिम्मत नहीं है तो हम लोग जाकर कह देते हैं। हाँ? तो खबरदार, जो किसने पूजा को कुछ कहा, लगता है उसने सब कुछ सुन लिया। भगवान करे सुन लिया हो। कॉफी? थैंक्स। क्या सोच रही पूजा? सोच रही हूँ कि मैंने सारे घर वालों को, यहाँ तक कि अंकल को एयरपोर्ट पे आने के लिए मना किया था, लेकिन तुम्हें मना नहीं किया, ऐसा क्यों? वेरी सिंपल, अरे भाई हम सबके साथ तुम्हारा दिल का रिश्ता है, और जिनके साथ दिल का रिश्ता होता है उनसे बिछड़ने में तकलीफ होती है। हमारा क्या है, हम तो हेलो हाउ आर यू बाय बाय टाटा वाले हैं, और जिनके साथ ऐसा रिश्ता होता है उनसे बिछड़ने में तकलीफ थोड़ी ना होती है, राइट? राइट, आजकल बहुत कुछ बोलना सीख गए हो। ओए कृष्णा, मोटरसाइकिल स्टैंड पे खड़ी कर और जल्दी आ जा। हाँ जी, आ जा आ जा।
कहाँ घुसते जा रहे हो? अरे मैं अंदर जा रहा हूँ। टिकट कहाँ है? मेरा भाई टिकट लेके आ रहा है। टिकट के बिना अंदर नहीं जा सकते। अरे मेरा भाई टिकट लेके आ रहा है, मैं विदाउट टिकट। अरे भाई सुनो तो सही, मेरी पूजा की फ्लाइट निकल जाएगी, मुझे अंदर जाने दो। करण चीकू बहुत रो रहा है, उसे संभालना पड़ेगा। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं भी आता हूँ। चीकू क्या कर रहा है? करण कितनी बार मना किया तुमको, पूजा को कोई कुछ नहीं कहेगा, फिर भी तेरे समझ में नहीं आती। अगर क्यों नहीं बताना चाहता यार तू उसे? अरे करण वो तेरे जीने का सहारा है, सहारा ही ना रहा तो तू जिएगा कैसे यार? करण हम लोग तेरे दोस्त है, तुझे घुट घुट के जीते हुए नहीं देख सकते हम। तू मुझे चाहे जितना बड़ा कर ले करण, आज मैं उसे बता के रहूंगा। रुक जा चीकू, पागल हो गया क्या? अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तू मेरा मरा हुआ देखेगा। करण करण पूजा आ रही है, पूजा करण बोल, पूजा आ रही है, आंसू पोछ फटाफट पोछ। क्या हुआ चीकू को, रो क्यों रहा है? नहीं वो बस तुम जा रहे हो ना इसलिए। ओ चीकू हाउ स्वीट। पूजा एक बात कहूं, पूरा तो नहीं मानोगी? हाँ बोलो। तुम वहां जाकर हमें भूल तो नहीं जाओगी? कैसे भूल सकती हूँ, तुम सब तो करण के दोस्त हो, तुम लोगों के साथ बिताया हुआ एक एक पल मैं याद रखूंगी। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम सबका ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ प्लीज। थैंक यू। अब तुम नहीं दोगे? क्यों, अब मैंने क्या किया? कभी कभी करने वाले को भी पता नहीं होता कि उसने क्या किया। प्लीज पूजा, क्या हुआ? करण पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ छोड़कर जा रही हूँ, दिल अजीब सा हो रहा है, जैसे जैसे मेरे जाने का वक्त नजदीक आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ दूर जा रहा है। अच्छा करण मैं जाती हूँ। ओके बाय पूजा, टेक केयर। मुझे याद आ गया करण कि मैं क्या मिस करके जा रही थी, और तुम भी जानते हो कि मैं क्या मिस कर रही थी, जानते हो ना? बहुत प्यार करते हो ना मुझसे, पूजा। I love you. जाओ पूजा, तुम्हारी फ्लाइट अनाउंस हो चुकी है। नहीं करण, मैं यही रहूंगी, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं पूजा, तुम्हें जाना होगा। सुना तुमने, तुम्हें जाना होगा। हम बाद में भी तो एक हो सकते हैं, लेकिन जो मौका तुम्हें आज मिला है वो फिर नहीं मिलेगा। और तुम्हें ने तो कहा था कि जिंदगी में हर एक इंसान का कोई मकसद होना चाहिए। आज तुम्हारी वजह से मेरा एक मकसद बना। अरे मैं तुम्हारी खातिर दिन महीने साल तो क्या
कई जन्मों तक कभी इंतजार कर सकता। हमारा प्यार ही हमारे मकसद को पूरा करेगा। बाय बाय। ओए आजा पुत्र आजा। वेरी गुड भाई वेरी गुड। पापा जीते रहो बेटा जीते रहो। अच्छा ही हुआ जो वो पहल करके चली गई, वरना तू तो इतना भोंदू था कि जिंदगी भर अपने प्यार का इजहार ही नहीं कर पाता। अरे अभी भी भोंदू है, इसलिए हर काम गलत करता है। ओए लेकिन ये काम इसने बहुत अच्छा किया है। आखिर बेटा किसका है? वाह बेटा अच्छा काम किया है तो बेटा किसका है, और खराब काम किया होता तो भतीजा किसका है। रात क्या जादू किया, क्या जादू किया, क्या जादू किया, अखियों ने रात क्या जादू किया, क्या जादू किया, क्या जादू किया। मैंने कोई जादू नहीं किया,